हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आपको पता है, मैं हूँ उत्तराखंड की पवित्र भूमि हरिद्वार में। तो देवभूमि हरिद्वार में आज था हमारा तीसरा दिन। जी हाँ, अगर आपने अभी तक पहले के व्लॉग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरिद्वार की सबसे बेस्ट और सस्ती गुजराती धर्मशाला के बारे में, जहाँ आप रह सकते हैं सिर्फ 80 रुपये में, जिसमें ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सब इंक्लूड रहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी धर्मशाला कच्ची लाल रामेश्वर आश्रम के बारे में। मैं इसे हमारी धर्मशाला इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये धर्मशाला की स्थापना हमारे गुरुजी गुरु वालराम और औधराम जी द्वारा की गई थी। तो ये है कच्ची लाल रामेश्वर आश्रम का मेन गेट, जहाँ से आपको एंट्री मिलता है। यहीं गेट पे ही आपको फ्री में 365 दिन में कभी भी आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मिल जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में, और इवनिंग में चाय और नाश्ता भी मिल जाता है। अब हम मेन गेट से अंदर जाते हैं। आप मेरे दोनों तरफ रूम्स देख पा रहे हैं। टोटल इस धर्मशाला में रूम्स की बात करें तो 250 रूम्स बनाए हुए हैं। आप हर एक बिल्डिंग में देख रहे हैं कि 3 फ्लोर्स बने हुए हैं। यहाँ पर कैसे रूम्स है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको इनका मेन बुकिंग ऑफिस दिखाती हूँ, जहाँ से आप रूम बुक करवा सकते हैं। ये धर्मशाला का मेन ऑफिस है जहाँ से आप रूम बुक करवा सकते हो। यहाँ पर रूम बुक करवाने के लिए आपको अपना कोई भी एक आईडी कार्ड दिखाना रहता है। अगर रूम अवेलेबल रहेगा तो वो फिर आपको रूम नंबर बता देंगे और आपको उस रूम की चाबी भी दे देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर रूम्स के लिए कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, आपको यहीं आकर ही रूम बुक करवाना रहता है। अगर आप गर्मियों में आते हो, जब चारधाम यात्रा शुरू होती है, तो रूम मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम लोग भी अप्रैल में आए थे तो पहले के 2 दिन हम दूसरी धर्मशाला में ही रुके, क्योंकि हमें भी यहाँ पर रूम नहीं मिले। जबकि मैं कच्ची हूँ, फिर भी आप इसे अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि यहाँ पर सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, कि चाहे खुद की कास्ट वाले भी आए, अगर रूम्स अवेलेबल नहीं हैं तो वो नहीं ही मिलेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। तो अब हम आ गए हैं हॉल में, जहाँ पर आपको तीनों टाइम का खाना और चाय नाश्ता मिल जाता है। इसे आप भोजनालय भी कह सकते हैं। तो आपको खाना खाने के लिए यहाँ आना होता है। यहाँ पर सुबह और शाम के चाय नाश्ते का टाइमिंग भी लिखा हुआ है। यहाँ बुकिंग ऑफिस के बिल्कुल सामने ही मेडिकल रूम बनाया हुआ है, जहाँ पर आपको अगर कोई भी मेडिकल हेल्प चाहिए तो वो मिल जाएगी। और यहाँ पर यज्ञ करने के लिए हवन कुंड भी बनाए हुए हैं, जहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा हवन किए जाते हैं। इसके बिल्कुल सामने की साइड ही हमारे गुरुजी का सुंदर समंदिर बनाया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ भोजनालय के बाहर ही आपको अगर चार धाम यात्रा करने की इच्छा रखते हैं तो यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, आप इनको कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं गौशाला की तरफ। यहाँ पर हर एक गाय को अलग अलग नाम दिए गए हैं और सारी गायें बहुत ही सुंदर लग रही है। से
थोड़ी देर गौशाला में रुकने के बाद हम चल पड़े गंगा घाट की तरफ। जी हाँ, कच्छी आश्रम के बिल्कुल सामने ही है गंगा घाट। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर रूम्स कैसे रहते हैं। ये रूम का मेन डोर है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ये बाहर का व्यू है और रूम यहीं से स्टार्ट होता है। रूम के स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे दो बेड्स दिए जाते हैं, और अगर आप दो या तीन लोगों से ज़्यादा ग्रुप में आते हो तो यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा मैट्रेस भी अवेलेबल रहते हैं, और ये आपको एक्स्ट्रा चदरे और ये सब कुछ कुशन्स और ये सब भी दिया गया है। ये वाला हमारा है, बाकी यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ये इनकी तरफ से दिया जाता है कि आप 6-7 लोग आते हो और एक ही रूम में रुकना चाहते हो तो वो भी आप रुक सकते हो। और ये इसका हॉल रहता है, यहाँ पे दो फैन भी है, और रूम इतना ठंडा है। अभी हम समर्स में आए हैं फिर भी इतनी गर्मी नहीं होती है, रात को तो बहुत ही ज़्यादा ठंडक रहती है। और यहाँ पे किचन भी है। और मैं आपको ये बाथरूम है, ये बाथरूम दिया हुआ है, और यहाँ पे गर्म पानी मिल जाता है। आपको बाहर से ही गर्म पानी लेना रहता है जो कि बिल्कुल फ्री रहता है। और कुछ इस तरह से बाथरूम दिया गया है, और ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट है। तो कुछ इस तरह से रूम रहता है। रूम का प्राइस 85 रुपीस पर पर्सन रहता है, और बाकी का मुझे मैं आपको पता करके इन्फॉर्मेशन सारी शेयर कर दूंगी। तो ये रूम बहुत ही बजट, अगर आप बजट में हरिद्वार में रुकना चाहते हैं और बहुत ही कम बजट में रुकना चाहते हैं तो हरिद्वार का ये आश्रम आपको मिल जाएगा। ये भुपतवाला में है। और हाँ, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे खाना पीना इंक्लूडेड है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आपको मिल जाता है, दोपहर का खाना मिलता है, शाम की टी भी, मतलब शाम को चाय कॉफ़ी जो भी आप पीते हैं नाश्ते के साथ आपको मिल जाती है, प्लस इवनिंग में भी आपको खाना मिल जाता है, और ये सब कुछ फ्री में रहता है। तो अगर आपको एक अच्छा धर्मशाला आप लोग ढूंढ रहे हैं तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि हमारे धर्मशाला में आइए, जो कि स्थित है भुपतवाला में। स्टेशन से कुछ 20-25 मिनट का रास्ता है, तो आप यहाँ पे ही आइए। यहाँ पे आपको खाना भी इंक्लूडेड मिल जाता है। अगर आप 10-12 लोग आते हैं तो आराम से आप यहाँ पे एक रूम में बजट के साथ रुक सकते हैं, और ऐसी सुविधाएं आपको कहाँ पे मिलेगी जहाँ पे खाना भी इंक्लूडेड है। हम लोग हरिद्वार आए थे तो हम होटल्स में भी रहे हैं और धर्मशाला में भी रहे हैं। अगर आप एक अच्छी धर्मशाला में रहना चाहते हैं तो उसका एसी रूम का कॉस्टिंग 1500 से स्टार्ट होता है, 1500 से। लेकिन ये धर्मशाला भी वैसे की वैसी है। वैसे भी हम घूमने आते हैं तो हम बाहर ही रहते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा स्टे हो सकता है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप हरिद्वार आते हैं तो एक बार कच्छी लालराम आश्रम की धर्मशाला में ज़रूर रुके। और हाँ, यहाँ पे गेट से बाहर निकलते ही सामने ही आपको गंगा घाट मिल जाता है, जो कि मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, हम लोग भी गए थे। और हाँ, एक और बात, आप जब भी यहाँ पे रुकते हैं, स्टे करते हैं, तो आपको ये वाला आई कार्ड देते हैं। ये आई कार्ड आपको पहन के रखना ज़रूरी है, जब भी आप गेट से बाहर जाएंगे या फिर गेट के अंदर भी रहेंगे या फिर खाना खाने जाते हैं, तो ये आई कार्ड आप लोग अपने साथ हमेशा रखें, वरना आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगा अंदर आने के लिए। तो बस यही इम्पोर्टेंट बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ये है आश्रम का टॉप व्यू, कितना खूबसूरत लग रहा है। मेन गेट से बिल्कुल सामने 10-12 सीढ़ियां है, वो सीढ़ियां चढ़ते ही आपको रोड दिखेगा। रोड के बिल्कुल सामने ही आपको पवित्र और सुंदर गंगा नदी दिखाई दे रही है।
बालराम जी घाट की तरफ जाते ही आसपास के रास्ते में बहुत ही सुंदर से फूल देखने को मिल जाएंगे। हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ पे कच्ची आश्रम के बाहर ही एक छोटा सा घाट है, वहाँ पे भी गंगा नदी बहती है, तो हम अभी वहाँ पे जा रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हम पहुंच गए घाट पर। और गंगा नदी को देखकर तो मेरे पास कुछ वर्ड्स ही नहीं है, इतना सुंदर लग रहा था तेजी से बहता हुआ एकदम साफ पानी। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप अगर हरिद्वार आते हैं और कच्छी आश्रम में रुकते हैं तो यहाँ पर ये घाट पर ज़रूर से आए और खुद इसे फील करें, क्योंकि ये नज़ारा वीडियो के ज़रिए मैं बता ही नहीं सकती कि कितना खूबसूरत लग रहा है। आप हर रोज सुबह भी आकर गंगा स्नान से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।